हेलो एवरीवन, अभिलाषा कुक स्पॉट एंड लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के साथ अपना एक डेली वाला रूटीन शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज बहुत ही सिंपल लंच बनाने वाली हूँ मैं, जिसके लिए मैं कच्ची कैरी या आम की चटनी बनाऊंगी और साथ में प्याज डालूंगी। प्याज डालने से कच्ची कैरी का जो खट्टापन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, फीका हो जाता है। अगर आपने नहीं ट्राई किया है इस तरीके से तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये चटनी बहुत अच्छी लगेगी। जब हम लोग लंच में कोई भी सिंपल खाना बनाते हैं, दाल राइस या सब्ज़ी, तो इन दिनों गर्मी के मौसम में कच्ची कैरी की चटनी से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो जब हम चटनी बनाते हैं कैरी की, तो हमें इक्वल पोर्शन लेना है। जैसे अगर कच्ची कैरी एक है तो एक प्याज, दोनों को हमने छील करके साफ़ करके फिर पतला पतला कट कर लिया और उसे ग्राइंडर में डाल करके दो हरी मिर्ची और साथ में थोड़ा सा पुदीना, उसे पानी में धो के साफ़ कर लिया, सिर्फ पत्तियां हैं, डंठल नहीं, और भुना जीरा पाउडर डालूंगी मैं 1/4 चम्मच। आप चाहें तो इसमें रोस्टेड जीरे भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा लाल नमक डालेंगे और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। जितना भी नमक डालना है तो दोनों उसके हिसाब से ही डालें और बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ये अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। और चूँकि हम मिक्सी में पीस रहे हैं तो एकदम चिकनी चटनी ना बनाएं, हल्की सी दरदरी चटनी अच्छी लगती है, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है इसीलिए, क्योंकि वो दरदरी सी होती है। तो अब सिलबट्टा नहीं है तो मिक्सी में ही उसको हल्का सा ही पीसेंगे और आप चटनी को बाउल में निकाल करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, फिर खाने के वक्त परोसते हैं और ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं बनाऊंगी न्यूट्रीला की सब्ज़ी। मेरे बेटे शुभम को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी और न्यूट्रीला बॉईल करके बनाते हैं पहले, तो मैंने पानी गर्म करने रखा 2-3 ग्लास और उसमें न्यूट्रीला डाल दिया। ये सोया चंक्स है, मार्केट का ही है न्यूट्रीला, और 2 कटोरी के करीब न्यूट्रीला है। उसके लिए मैंने 2 प्याज 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक, 4-6 लहसुन की कलियाँ और इन सबको मिक्सर में डाल करके पीस लेंगे, जैसे हर सब्ज़ी के लिए मसाला बनाते हैं। और 2 टमाटर भी काट के डाल दूंगी। कई दफ़ा मैं अलग अलग पीसती हूँ, फिर कई बार जब शॉर्टकट करना है तो एक साथ पीस लेती हूँ, तो आज मैंने सब एक साथ पीस लिया है। और ये देखिए तुरंत बॉईल हो जाता है न्यूट्रीला, एक उबाल आया और बस उसे आँच से उतार लेंगे। ये फेना फेना ऊपर आ रहा है और मसाला भी पिस गया है। ये देखिए प्यूरी तैयार हो गई है, पूरा पेस्ट बन गया है। और ये जो बॉईल किया है हमने न्यूट्रीला, इसको किसी भी छन्नी में इस तरीके से डाल देंगे जिससे उसका सारा पानी निकल जाएगा। और अगर हल्का सा पानी है तो ऐसे प्रेस कर देंगे किसी भी कलछी से, तो वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी पूरा निकल जाएगा। अब हम दूसरी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करके 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। और जीरा का तड़का लगते ही जो हमने मसाले पीसे हैं, प्याज अदरक लहसुन टमाटर, उसको भी डाल देंगे। 1-2 मिनट उसे डाल करके भून लेते हैं और उसके बाद इसमें मसाले मिलाएंगे। तो मसाले के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। इससे कलर अच्छा आएगा और वैसे 2 हरी मिर्ची हमने पीसी है तो तीखापन तो रहता ही है सब्ज़ी में। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ मैं खाना। और बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 चम्मच ही करीब, मिक्सर ही साफ़ करके बस डाल दिया जिससे मसाला जले नहीं। तो मसाला अभी हमें भूनना है और हमेशा की तरह मेरा वही मसाला भूनने का तरीका है कि आँच धीमी करके लगातार हिलाते हुए मसाला भूना, तो जैसे तेल सेपरेट हो जाता है, ऊपर आने लगता है और मसाले की क्वांटिटी कम हो जाती है, अच्छे से भून जाता है मसाला, कलर चेंज हो जाता है। और अब इसमें ये जो बॉयल न्यूट्रीला है वो डाल दिया है।
बहुत ही जल्दी बनती है ये सब्ज़ी, क्विक रेसिपी है और बच्चों को बहुत पसंद है। स्पेशली मेरे बेटे शुभम को तो उसकी डिमांड हो जाती है अगर नहीं बनाया 8-10 दिन में एक बार। और जब मसाले के साथ न्यूट्रिला भून लिया, उसके बाद पानी डाल दिया, नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया। पानी बहुत ज़्यादा अब नहीं डालेंगे क्योंकि न्यूट्रिला पहले से ही बॉइल्ड है, अब उसको ज़्यादा पानी नहीं सोखना है। और मीडियम थिक ग्रेवी रखेंगे तो उसके हिसाब से ही उसे बॉईल करना है और उतना ही पानी डालना है। तो मैंने करीब 2-2.5 गिलास पानी डाला है इतनी सब्जी में कि ग्रेवी रहे। दाल नहीं बनाई आज मैंने खाने में, तो इसी सब्जी से चावल भी अच्छे से खा सकें और रोटी भी। तो ये देख रहे हैं आप मीडियम थिक है, और जब ये खौलने लगती है यानी मसाला अच्छे से पक गया है, खौल गई है, तो उसे आँच बंद करके ऐसे ढक के रख देंगे। तब तक फिर मैंने आटा गूँथ लिया है क्योंकि आज इसके साथ चपाती बनाने वाली हूँ मैं। आटा वही हमेशा देखा है आपने, उसी तरीके से गूँथती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। और आटा गूँथते समय थोड़ा सा नमक डालती हूँ मैं आटे में, और जब आटा अच्छे से मसल जाता है तो लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगा करके 1-2 मिनट रखा भी रह गया तो उसमें पपड़ी नहीं जमती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में तुरंत पपड़ी जमती है। आटा साइड में रख लिया, और इंडक्शन में ही कढ़ाई रखी हुई है, और रोटियां मैं गैस में ही बनाती हूँ। तो बस आटे की छोटी छोटी सी बॉल्स बनाने के बाद रोटियां बनाना शुरू, और रोटी बनाने का वही हमेशा की जैसा है मेरा कि मैं पतली रोटियां बनाती हूँ और चाहे बड़ी हो जाएं लेकिन मोटी नहीं बनाती हूँ। और इसी बीच कढ़ाई उतार करके मैंने चावल भी पका दिए हैं। चावल धो के रखे थे कुकर में, तो इंडक्शन में चावल रख दिया है, वो मेरा इंडक्शन बेस कुकर है। उसमें मुझे 1 सीटी में ही चावल अच्छे से पक जाता है, और 900 में रखती हूँ मैं इंडक्शन में। और बस फुलके सेकने शुरू हो गए तो गरम एक साइड में चावल बन जाता है और गरम रोटियाँ। फिर जैसे ही खाना परोसना है तो फिर आसान रहता है। रोटी मैं इसी तरह से बेलती हूँ कि एक चकले पे बेली रहती है, तो जैसे ही तवे पे खाली हुई कि डाल दिया और दूसरी रोटी बेलना शुरू किया, और 1 सीटी में चावल पक गए हैं। तो बस इंडक्शन बंद कर दिया है, कुकर भी साइड में रख दिया है, लगभग सारी रोटियां भी बन गई हैं। और अब गरम तवे के ऊपर ही मैं अक्सर सब्जी रख देती हूँ कि थोड़ी देर जब तक गरम है तवा तो वो सब्जी भी गरम ही हो जाएगी। और गरम गरम तवा मुझे अभी निकालना भी नहीं है, तो जितनी देर रहता है गैस के ऊपर 5-10 मिनट के लिए, उतने में सब्जी भी और अच्छे से दोबारा से गर्म हो जाती है, मतलब गर्म बनी रहती है। और बस रोटियों में घी लगा करके हमेशा की तरह बस कैसरोल में रख देती हूँ। और उसके बाद वही रोज़ वाला काम कि जब चपाती ये और ये सब्ज़ी चावल ये सब मैं टेबल पर रख देती हूँ, काउंटर टॉप खाली करके। फिर काउंटर टॉप में जितना भी सामान अभी यूज़ किया, जैसे घी दानी है, उसे पोंछ के रख देती हूँ मैं। और सारा का सारा खाना टेबल में रखने के बाद काउंटर टॉप को एक बार पहले डस्ट कर लेती हूँ, पूरा जितना भी सूखा आटा है या कुछ भी गिरा हुआ है कचरा वो सब साफ़ कर लूँ। और सब्जी को पलट के रखूँगी मैं, ये स्टील वाली छोटी सी हंडी है, इसी में हमेशा पलटती हूँ क्योंकि इसमें पूरा अंदाज है मुझे। सब्जी इसमें पूरी पलट के टेबल पर रख दिया, और खाना गर्म करने के लिए भी उसमें मैं गर्म कर लेती हूँ। इंडक्शन भी पोंछ दिया है और पोंछ करके साइड में रख दिया क्योंकि मैं काउंटर टॉप धुलने वाली हूँ। तो मैं मॉर्निंग में कई बार ऐसा करती हूँ कि पूरा गैस धुल देती हूँ, तो गैस धुलने के बाद काउंटर टॉप भी पूरा धुल जाता है, क्योंकि पोंछने का काम तो रोज़ होता है। रात में तो अक्सर ही बस पोंछ के रख देती हूँ मैं, लेकिन सुबह में कभी कभी ऐसा रहता है कि पूरा गैस धो करके और काउंटर टॉप भी धो लेती हूँ मैं। तो आज मैं वही करने वाली हूँ। हमारे घरों में तो मतलब डेली रसोई धुली जाती है, पूरा चौका धुलते हैं, लेकिन अब हम लोगों का वही है, ये यहीं पर किचन है और यहीं हॉल है, तो मैं रोज़ रोज़ धुलाई तो नहीं कर पाती हूँ, बस ये इतना ही हिस्सा है जहाँ पर पूरी धुलाई होती रहती है। और ये गैस के बर्नर्स हैं, मैं इस तरीके से उनको निकाल करके भी साबुन घिस देती हूँ जब गैस धुल रही होती हूँ, तो
तो जो इनके पोर्स हैं वो अगर कुछ डला भी है तो साफ़ हो जाता है। और बस इस तरीके से नॉर्मल जेल लगा करके ही पूरी वॉशिंग हो जाती है। बर्नर्स भी साफ़ हो गए हैं तो उनको साइड में ऐसे टिका के रख दूंगी मैं। जाली है जहाँ शटर ग्लास लगा हुआ है, विंडो पानी झड़ जाता है। और अभी मुझे पूरा काउंटर टॉप धुलना है तो मैं इस तरीके से पानी डाल करके, और धीरे धीरे पानी डालते हैं, एकदम से नहीं कि पूरा फैल जाए। और ये छोटा सा वाइपर है, इससे पानी निकालती भी रहती हूँ मैं, ताकि बॉर्डर से तो नीचे नहीं गिरे, नहीं तो किचन में फैल के तो और काम बढ़ जाता है। बस साइड में इस तरीके से पानी निकाल दिया तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मैंने देखा है जब पूरी धुलाई करते हैं ना, तब काउंटर टॉप एकदम एक बार पूरा घिस दो तो उसके बाद पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है, जो ऑयल वगैरह गिरा। और जैसे ही गैस धुलने के बाद पूरा पानी वाइपर से निकाल दिया तो उसे किसी भी सूखे कपड़े से एक बार अच्छे से पोंछ दो पूरी बॉर्डर और उसकी नॉब बर्नर वगैरह, और उसके बाद पूरा टॉप भी कपड़े से पोंछ दो तो तुरंत एकदम ड्राई हो जाता है अच्छे से। ऐसा भी नहीं कि उसको धुलने के बाद फिर गीला रहे या टाइम लगे। इस पत्थर से पानी अगर वाइपर से भी झाड़ दिया सिंपल, तब भी पूरा पानी निकल जाता है। और वो पानी सिंक की में ही सीधे चला जाता है, क्योंकि अभी तो बर्तन भी धुलने हो तो सिंक साफ़ होना है, तो यहाँ का पूरा पानी वहीं से निकाल लेती हूँ मैं। बस उसके बाद डिश वॉशिंग होती है। सबसे पहले मैं अक्सर कांच के बर्तन ही धुल लेती हूँ, जो सामने में रखे होते हैं ग्लास कप वगैरह, क्योंकि स्टील के बर्तनों में फिर वो ठोकर लग करके टूटने का डर रहता है। और धीरे धीरे करके फिर सारे के सारे बर्तन सिंक पर से साफ़ करके काउंटर टॉप में रखती जाती हूँ साबुन लगा करके। और लास्ट में फिर बर्तन का ये बास्केट निकालती हूँ, क्योंकि वही मैं यहाँ नहीं रखती हूँ काउंटर टॉप में, आपने अक्सर देखा है खाली रहता है। जब बर्तन रखती हूँ उसी समय इसको उठा के रखती हूँ किचन में, एक कॉर्नर पर रख देती हूँ मैं, जगह नहीं होती, काउंटर टॉप फिर पूरा फुल हो जाता है। और यहाँ कुछ ऐसा स्टैंड लगाने के लिए जगह नहीं है कि ऐसे परमानेंट लगा रहे, ताकि मैं वहीं के वहीं रखती जाऊँ। डिश वॉशिंग के समय ही इसको निकाल कर लाती हूँ और रख देती हूँ। और फिर जब बर्तन सूख जाते हैं उसके बाद उनको ट्रॉली में लगा देती हूँ, फिर ये रैक खाली हो जाती है। तो इसी तरीके से सारे के सारे बर्तन धुल करके साफ़ कर लिया। और अक्सर मैं पहले काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ तो लास्ट में बर्तन साफ़ होते हैं, उसके बाद पूरा किचन क्लीन दिखने लगता है। और सबसे लास्ट में एक तवा घिसती हूँ मैं, और वही प्यूमिक स्टोन जो मैंने पहले भी बताया था आपको, उससे ही तवा घिसती हूँ और तुरंत साफ़ भी हो जाता है, ये देखिए फ्रेंड्स। और उसके बाद हल्का सा साबुन लगा दिया, क्योंकि कोई भी ईंट वगैरह घिसो तो हल्के से उसमें निशान रहे, तो साबुन लगाने के बाद पूरा प्रॉपर क्लीन हो जाता है तवा। बर्तन धुलने के बाद जो सिंक में जाली लगी हुई है, इसमें जितना भी कचरा जमा होता है उसे निकाल करके मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और फिर ये देखिए जाली भी पूरी साफ़ हो जाती है। और ये काम मैं दोनों ही टाइम की डिश वॉशिंग के बाद करती हूँ, पूरा जाली साफ़ करके, बेसिन साफ़ करके, सब पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यही मेरा डेली रूटीन है, लंच टाइम पे खाना बनाना और काउंटर टॉप साफ़ करके डिश वॉशिंग करना, और पूरा ये सिंक क्लीन हो जाता है और इसमें कोई कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते हैं। और लास्ट में हैंड वॉश करके फिर जितना भी खाना टेबल पर रखा हुआ रहता है, जो मैंने काउंटर टॉप से खाली करके रखा है, फिर जैसे ही बच्चों को भूख लगी तो उनको खाना गर्म भी करना है, तो इन्हीं बर्तनों में इसीलिए पलट के रखती हूँ कि उसको दोबारा गर्म कर सकूं। किचन एकदम क्लीन हो गया, ये देख रहे हैं आप, बर्तन भी पूरे साफ़ हो गए हैं। और जैसे ही हवा और धूप से लग करके बर्तन सूख जाते हैं, ये देखिए इसके बर्नर्स भी सूख गए हैं, तो इनको फिर मैं गैस पे लगा करके सारे बर्तन भी ट्रॉली में लगा देती हूँ। शुभम को भूख लगी है, और उसे न्यूट्रीला सुन करके भूख लग जाती है, खाने में क्या बना है पहला सवाल होता है। और जैसे ही मैं बोलती हूँ न्यूट्रीला बनाया, तो शुभम कहता है हाँ खाना दे दीजिए। तो शुभम को थाली लगा रही हूँ मैं, उसका फेवरेट न्यूट्रीला, कैरी की चटनी, चपाती और राइस। और शुभम टेबल पर बैठ गया है, और जैसे ही न्यूट्रीला देख के उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आई है, और शुभम खाए के बताता है, और हर बार वो यही कहता है अच्छा बना। थैंक यू।